आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को जयपुर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों दलों ने राजस्थान को सालों तक बारी बारी से लूटा है। जयपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में 48 साल कांग्रेस जबकि 18 साल भाजपा ने शासन किया, अब दोनों पार्टियां ये भी नहीं कह सकती कि जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया। केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी महंगाई से लोग दुखी हैं और इस स्थिति के लिए भाजपा कांग्रेस जिम्मेदार हैं जिनकी आपस में सांठगांठ है।